ही नवाज शरीफ के साथ है। नवाज शरीफ कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। नवाज शरीफ का अगला हमला पाकिस्तान की फौज पर होगा। बार बार इन चूहों को पैगाम दे रहा हूं, हुकूमत मामूली चीज है, अगर करप्शन के खिलाफ उनकी जान भी चली जाए तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कमालिया में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ा फनकार लंदन में बैठा है, यहाँ लोग डीजल परमिट के नाम पर अपना जमीर बेच देते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी है, ये हुकूमत गिराकर पहले नैब खत्म करेंगे। थ्री स्टूजेस का शुक्रिया, जिनकी शक्लें देखकर लोग वापस आ गए। अल्लाह ने न्यूट्रल का फैसला इंसान को नहीं दिया। सबसे बड़े चोर जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, सियासत करते हो इस्लाम के नाम पे और अपना जमीर बेचते हो डीजल के परमिट के ऊपर। इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, चेरी ब्लॉसम शरीफ इसको भी पता है कि इसका टाइम आने वाला है। चौथा फनकार वो है लंदन में बैठा हुआ है। ये सारे नैबजदा इकट्ठे हुए, मैं बार बार ये टीम चूहों को पैगाम दे रहा हूँ, हुकूमत जारी तो मामूली चीज है, मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इनकी कोशिश है कि ये हुकूमत गिराए, नैब को खत्म करे, और जब भी करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। ये कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, न्यूट्रल का उसने फैसला इंसान को नहीं दिया, या आप इधर है या उधर है। इस्लामाबाद सब निकले, और 27 तारीख को मैं अपनी सारी कौम को देखना चाहता हूँ।